दिस इज डगरी बंगला, यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी शुरू होती है मिरांजानी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर नाउ एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिरांजानी ट्रैक। यहाँ से हम हाइक करेंगे मिरांजानी पॉइंट तक और फिर उधर से हाइक करके डगरी बंगला जाएंगे और इंशाल्लाह नाइट स्टे है हमारा। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। सामा भाई, इंशाल्लाह। देखो भाई, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर ट्रिप के स्टार्ट पे एक सेल्फी ले लो तो अच्छा। हम 1.5 साल पहले इधर आए थे, तब सर्दी थी और बर्फ़ भी पड़ी थी, लेकिन गर्मियों में यहाँ का मज़ा कुछ और है। हेलो जी, एक छोटा सा अपडेट। अभी हमने मिरांजानी का आधा रास्ता उबूर कर लिया है। हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह मिरांजानी में एक छोटा सा स्टे करेंगे, उसके बाद डगरी बंगला के लिए निकलेंगे। मेरे साथ उसामा है, अरसलान, सुहेल और माज। हेलो जी, सीन्स कुछ ऐसे कि अभी हम मिरांजानी टॉप पे आ चुके हैं और नाइट स्टे हम इधर ही करेंगे, क्योंकि डिसाइड ये हुआ है कि इंशाल्लाह कल डगरी बंगला जाएंगे। और इतनी हाइक के बाद भी अनपैक्ड सेटअप और कैंप और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे बेहतर नींद महीनों में नहीं आया। शहर में छोड़ दी तकन सारी, रुख पहाड़ों की सिमत मोड़ लिया, तोड़ के राबता मशीनों से, रास्ता जंगलों से जोड़ लिया, भीड़ में रास्ता बनाते हुए, धीमे लहजे में गुनगुनाते हुए, बागबान की तरफ, गुलों की तरफ, काले धुएं से खुशबुओं की तरफ, आज फिर एक छोटी सर करेंगे, आज फिर से नया सफ़र करेंगे, आज जंगल में शाम गुजरेगी, रात तारों के नाम गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स अबाउट 6 AM इन द मॉर्निंग और सारे भाई सोए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैं ज़रा, हम अब यहाँ से तकरीबन बंगला के निकलेंगे और मैं जरा उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? आप लगे उड़ा खाओ जंगली है, एक्शन पास हमारा उड़ा खाओ, सब उड़ा खाओ। ओह सोना स्टाइटिंग नहीं होगा, पीड़ा खाओ। ओह नाइस व्यू, नाइस व्यू फ्रॉम द टेंट। Oh. Oh my god, you are blessing. Let's pack up. You are the blessing. सब पैकिंग करने के बाद अब हम रवाना हुए डगरी बंगला की तरफ। अब बज रहे हैं 6:36 AM, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 से 3 घंटे तक हाइकिंग है और इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो तकरीबन 10 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये लोकेशन हमारी है ना, और यहाँ जाना है तो बस सीधा सीधा है ना बस। तो गूगल आंटी बता रही है कि यह रास्ता आप इख्तियार कर ले, वो वाला नहीं, तो जब भी आप आए तो इसी रास्ते पे सीधा आके इसी रास्ते पे। सो वी हैव कवर्ड एन आवर ऑफ डगरी बंगला ट्रैक। अब देखते हैं कितने टाइम तक उधर पहुँचते हैं, बट द ट्रैक इज़ क्वाइट स्मूथ। क्या कह रहे हो लड़के? बिल्कुल, मेरा बहुत जबरदस्त।
पानी का इंतजाम किया करें। है लेकिन पी नहीं सकते, मजबूरी है, सील खोलना पड़ेगा। कोई ढाई घंटे हाइक करने के बाद भी है फाइनली रीच्ड और डेस्टिनेशन। और गैस कैसा लग रहा है? चाय बना रहा है, इधर उधर सारे लड़के सो रहे हैं। नाश्ते का टाइम है, आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग। और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी ऐसे व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।